गाइस, तो आपने फेयरवेल वाला वीडियो देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप लोग देख लेना। तो उससे पहले क्या हुआ था, एक दिन पहले का वो वीडियो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग ये भी वीडियो देख लीजिए। तो फेयरवेल वाला तो देख लिया है, उसके एक दिन पहले तक क्या हुआ था और मैं कितनी परेशान थी, तो आप लोग देखिए वो वाला वीडियो। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं क्या करूँ फिर? है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कुछ दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे इतना बिजी कहाँ हो गई, क्योंकि मैं पढ़ाई करती हूँ तो थोड़ा बिजी तो होंगी ना। और अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम भी आ रही है और उससे पहले मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है, चार चार असाइनमेंट है। और पोस्टर भी बनाना है, ये मैं बना रही हूँ, एक कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, और एक बनाया है मैंने, वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। एक बनाया है ये, इतना अच्छे से नहीं आता मुझे, जो भी आता है वो बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मार्क का बात है, मार्क नहीं मिलेगा नहीं तो, तो इसलिए मैंने बनाया। और हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। पेजेस मैंने लिख लिया है और उसके बाद और भी लिखना है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, तो लिखने के बाद कल ही सबमिट करना है सब एक साथ। और 2 तारीख को है फेयरवेल, उसका भी ब्लॉग बनाऊंगी शायद, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो। और उसके बाद हमारी एग्जाम्स भी आ रही हैं, 10-15 दिन में ही हो जाएगा शायद एग्जाम, अभी तक रूटीन नहीं दिया लेकिन ऐसा ही होगा, 10-15 दिन के अंदर ही होगा। तो टाइम ही नहीं है, इतना जल्दी जल्दी सब सेमेस्टर खत्म हो रहे हैं ना, और इतना काम होता है, असाइनमेंट होता है, पढ़ाई होती है, पढ़ाई तो इतने नहीं करती मैं, लेकिन असाइनमेंट तो वो सबमिट करना ही पड़ेगा, तो इसलिए लिख रही हूँ अभी, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। है गाइस, तो फाइनली मेरी दोनों पोस्टर कंप्लीट हो चुकी है। ओह शिट, देखिए मेरे उंगलियों पे कैसे कलर लग गई है। और ये है मेरी पोस्टर, कंप्लीट हो गई है ये भी। और दोनों कंप्लीट हो गई है, तो मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखा देती हूँ। दोनों पोस्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ा सा लिखा और अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी स्लीपी आइस, क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी इसलिए, और अभी मुझे थोड़ा भूख भी लग रही है इसलिए मैं खा रही हूँ ये भुजिया। और देखते हैं अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा सो जाऊंगी अभी मैं और उसके बाद उठ के नहाऊंगी। मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ और नहा के आके मैं थोड़ा सा लिपस्टिक और क्रीम लगाया है मैंने, और आते ही मुझे एक बहुत बड़ी सरप्राइज मिल गई। और वो सरप्राइज है कि हंसने वाली बात तो है नहीं, फिर भी मैं हंस रही हूँ। 15 जुलाई से हमारी सेमेस्टर फाइनल है और 10 जुलाई को है ईद, में घर कैसे जाऊँ अब। मैं नहा के आई और आके देखा, मैम ने मैसेज दिया है 15 जुलाई से हमारी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और 28 जुलाई को ख़त्म होंगे, तो मैं घर कैसे जाऊँगी ईद पे। और अगर मैं 10 जुलाई के लिए ईद के लिए घर गई तो पढ़ाई नहीं होंगे, क्योंकि ईद के टाइम पे पढ़ाई तो नहीं होता है, सब एक साथ तो बहुत मस्ती करते हैं हम इसलिए। तो इतने टाइम से कॉलेज नहीं था, जस्ट अभी आए थे और बहुत सुकून मिल रही है, अभी हवा लग रही है इसलिए। बहुत गर्मी है और हॉस्टल में ज़्यादा ही गर्मी लगती है, क्योंकि हम हमेशा एक ही रूम पे बैठे रहते हैं, किसी से बात नहीं होती, कुछ नहीं होते। और ये पीजी है, यहाँ पे सब अपने अपने रूम पे रहते हैं, कोई किसी के साथ इतना बात नहीं करते, सब अपने अपने काम करते रहते हैं, और काम भी तो इतना होता है ना, असाइनमेंट और बहुत बहुत कुछ होते हैं, सब करने के बाद टाइम ही नहीं मिलता किसी से बात करने का। तो अभी मैं कुछ लेके आती हूँ खाने के लिए, जाके देखते हैं क्या दिया है आज खाने को, तो लेके आते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। तो आज खाने में मिले हैं ये पूरी और पानी पानी घुगनी, इसलिए मैं इसके साथ ले लेती हूँ थोड़ा सा इमली का अचार, घर से लाई थी इमली का अचार, आम का अचार और बोगोड़ी, इसे क्या कहते हैं यही याद नहीं रहता मुझे, बोगोड़ी का अचार हम असम से बोगोड़ी बोलते हैं। तो ये है इमली का अचार, मैं अभी थोड़ा सा ले लेती हूँ,
इतना ही हो जाएगा। हॉस्टल पे ये सब जुगाड़ होते हैं, सभी के पास होते होंगे, अचार नमक ये सब नहीं होंगे तो हम खाएंगे क्या। देखिए कितनी पानी पानी है घुगनी, तो ये पूरी। अभी टाइम हो रहा है 6:30 और मैं अभी भी लिख रही हूँ। इतना सारा लिखा है मैंने और अभी भी बाकी है, अभी भी बहुत सारा बाकी है। पता नहीं कल कैसे सबमिट करूंगी, मैं घर चली गई थी ना इसलिए ऐसा हो गया, घर जाके तो पढ़ाई नहीं होता, तो अभी भी बहुत सारा बाकी है लिखने के लिए, तो कल ही सबमिट करना है, सब आज रात को कंप्लीट करना होगा। हे एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30 और हमारी पीजी में खाना दे दिया है हमें, 8 बजे से ही मिल जाता है खाना, तो आप 8 PM से लेकर 9 PM तक ला सकते हैं खाना। तो आज मिला है हमें दाल चावल और एक कड़ी, तो अभी मैं खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद मुझे फिर से लिखना है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ मेरे असाइनमेंट्स, 2-3 असाइनमेंट है ना इसलिए बहुत टाइम लगता है, तो ये सब कंप्लीट करके आज पूरा कंप्लीट करना ही होगा, कल सबमिट करना है, तो ये ब्लॉग शायद मैं कल तक कंटिन्यू करूँगी, तो आप लोग देखते रहिए। तो मैंने लेमन ले लिया है, हमारे घर में बहुत सारे लेमन ट्रीज है, तो इस बार जब मैं घर गई थी तब मैं लेके आई बहुत सारे, आई थिंक 10-12 तो होंगे, मैं लेके आई थी लेमन, तो रखा है मेरे रूम पे, मैं जब खाना खाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ, तो अच्छा लगता है खाने के साथ, तो ये बड़े वाले लेमन जो है वो है। हे गाइस, तो अभी अभी मेरी सारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है और जो भी वर्क था वो सारा कंप्लीट हो गया है मेरा, तो अभी टाइम हो रहे हैं 1 AM, रात के 1 बज रहे हैं अभी और सब डन हो गया है, कल जाना है यूनिवर्सिटी और जाके सब सबमिट करना है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या किया है मैंने, क्या क्या असाइनमेंट है। तो फर्स्ट ये फ्रंट पेज है, इसका जो असाइनमेंट जो लिखना था वो मेरी फ्रेंड लिख रही है, मतलब फरहाना, आप लोगों ने देख, अगर आप लोग मेरी ब्लॉग देखते हैं तो फरहाना को पहचानते होंगे, तो फरहाना लिख रही है, ग्रुप असाइनमेंट है इसलिए वो लिखने का काम फरहाना ने किया और फ्रंट पेज मैंने बनाया। और दूसरी है ये वाला, इसका 7-8 पेजेस है, इस ये ग्रुप असाइनमेंट नहीं है, ये मेरी ही है, ये मैंने बनाया। और उसके बाद ये 2 पोस्टर मैंने दिखाया था आप लोगों को, और सबसे लॉन्ग है ये वाला, रिसर्च मेथडोलॉजी का है ये, तो ये बहुत लॉन्ग है, इसमें ही सारा टाइम लगा, ज़्यादा टाइम इसमें ही लगा, तो पूरा कंप्लीट हो गया है अभी और कल मैं सबमिट करूँगी, तो एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को सारे एक साथ। सो अभी मैं सो जाती हूँ, कल यूनिवर्सिटी भी जाना है, तो गुड नाइट बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, तो अभी टाइम हो रहा है 10:20 और अभी मैं जस्ट नींद से उठी हूँ क्योंकि रात को 2 देर से सोई थी, मैं आप लोगों को दिखाया था, तो अभी मैं खाना खाती हूँ, जाके देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। वैसे भी ब्रेकफास्ट में ही हमें दाल चावल या सब्जी ये सब कुछ दे देते हैं क्योंकि सब कॉलेज जाते हैं इसलिए, तो वही खाना पड़ेगा, अभी जाके लाती हूँ मैं। और 11:30 को शायद मैं निकल जाऊँगी कॉलेज के लिए, आज कॉलेज में जाके फिर ये सब सबमिट भी करना है और फिर कल हमारे सीनियर्स की फेयरवेल है। फाइनली आ गई हूँ मैं कॉलेज, अभी जाते हैं हमारी ब्लॉक पे और धूप बहुत ज़्यादा है, ये फरहाना इतना गर्मी। हेलो गाइस, तो अभी मैं क्लासरूम पे हूँ और ये है डेजी। हाय हाय, हमारा कलाकारी दिखा और डेजी का कलाकारी, डेजी शताब्दी नवनीता, उन लोगों का ग्रुप फरहाना उन लोगों का ग्रुप ने ये बनाया, और ये ग्रीन कलर वाला अखंडों ने बनाया ना, अखंडों का ग्रुप, और मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ, ये बनाया लीजा रोज मासूद, उन लोगों ने ये बनाया चुगरी। सावित्री लड़की डेजी,
और नमनिता फरहाना से हाय। तो सबने बहुत अच्छा पोस्टर बनाया, बहुत अच्छा लगा सबका पोस्टर। और कल है हमारे फेयरवेल, हमारे नहीं मतलब सीनियर्स का है, हम लोग दे रहे हैं उनको फेयरवेल। और पता नहीं इतने गर्मी में कैसे आएंगे हम। रही है हमारी पार्टी, अखुन और शताब्दी ने लाया सबके लिए चिप्स, फ्रूटी और क्या समोसा। थैंक यू अखुन एंड शताब्दी, थैंक यू। समोसा हम लोगों ने जलेबी भी खाया। डेकोरेशन नहीं हुआ, कल करेंगे हम, कल ही है फेयरवेल, फिर भी जल्दी से आके करना होगा। तो आज की ब्लॉग यही पेन करते हैं, बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।